साथियों, नवीन दर्शकों, एक बार फिर से गुरुकुल के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मित्रों, बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण टॉपिक आप सबके सामने लेके आ रहा हूं, जिसकी हम चर्चा करेंगे। गुस्सा, एग्रेशन, क्रोध, आप सब जानते हैं क्रोध और गुस्सा हमको खा जाता है, चाहे सन्यासी हो, बिजनेसमैन हो, बॉलीवुड के स्टार्स हो, बच्चे हो, क्रोध किसी का भी नहीं है। और क्रोध, गुस्सा और एग्रेशन अगर ये हमारे जीवन में हो तो शायद सब कुछ समाप्त हो जाता है। और मित्रों, अगर ये अपनी चरण सीमा पे पहुंच जाए तो एक हत्यारे का या बहुत बुरी तरीके से कोर्ट कचहरी में फंसाने का भी योग क्रिएट कर देता है। सबसे पहले हम क्रोध की बात करते हैं, हम गुस्से की बात करते हैं। ये आखिर होता क्यों है, गुस्सा आता क्यों है? मित्रों, गुस्से का मूलभूत कारण क्या है और ये कैसे आता है, इसका लॉजिकल और प्रैक्टिकल और एस्ट्रोलॉजिकल कारण क्या है, ये सारी चीजें आज इस चर्चा में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं। आप किसी छोटे बच्चे को, या आप अपने किसी वर्कर को, या आप छोटे भाई बहनों को कुछ काम के लिए बोलते हैं कि मेरा ये काम कर दो, वो आपका काम कर देता है। आप दोबारा बोलते हैं, वो फिर काम कर देता है। आपके बार 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 कहने से एक समय ऐसा आता है कि वो आपको काम करने के लिए मना करता है। आपके अंदर एक ईगो जाग जाती है और स्वतः ही एक गुस्सा अपना रूप लेना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब, जब हम किसी के ऊपर कंट्रोल करना चाहें, या हम अपनी कामनाएं या इच्छा, जब हमें लगता है हमारी कामनाएं और इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही, तो हमें स्वतः गुस्सा आने लगता है। मित्रों, एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं। आज महिलाएं किसी पुरुष से कम नहीं है। आज आप जानते हैं कि महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं, परंतु महिलाओं के ऊपर पुरुषों का एक डोमिनेशन नेचर स्टार्टिंग से रहा है। सपोज किसी की वाइफ ने कुछ काम कर दिया तो पुरुष को यह रहता है, मेरे से पूछ के क्यों नहीं किया, इस वजह से गुस्सा आ गया। जब जब हम किसी के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, या जब जब हमारी इच्छाओं की और कामनाओं की पूर्ति ना होने लगे, हमें गुस्सा आने लगता है। जब हमारा बॉस हमें किसी कार्य के लिए बोलता है और बार बार कहता है, जैसे ही हम उसका विरोध करते हैं, तब स्वतः बॉस का गुस्सा जागने लग जाता है। तो देखिए, दोनों तीनों सूरतों में जब कंट्रोल और इच्छा, यानी कि कामना, जब हमारी इच्छा और कामना कम हुई और हम किसी के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं वो कम हुआ, तो स्वतः ही गुस्सा आने लग गया। मित्रों, अब बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए और कहते हैं गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल कहाँ नहीं होता? कंट्रोल दोस्तों नेचर कॉल पे नहीं होता। किसी को पॉटी आ रही है, वो कंट्रोल नहीं कर सकता, वो तो निकालना ही पड़ेगा। लेकिन क्या गुस्से को भी निकालना ही पड़ेगा? क्या गुस्से को कंट्रोल नहीं किया जा सकता? गुस्से को मित्रों कंट्रोल किया जा सकता है, बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ एस्ट्रोलॉजिकल उपाय इसके मैं आपको बताऊंगा, छोटे छोटे प्रयोग जिसको आप करके अपने गुस्से को काबू। अभी हमने एक नॉर्मल प्रैक्टिकल बात करी कि गुस्से का रीजन क्या है। जब जब हमारी इच्छाओं की कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, या ईगो लेवल बढ़ जाता है, या फिर हम किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमें गुस्सा आने लगता है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर मित्रों, हमारे ग्रहों के कॉम्बिनेशंस हमारे एग्रेशन को जन्म देते हैं। मूलतः मंगल ग्रह सबसे बड़ा स्थान रखता है एग्रेशन के लिए। हमारी कुंडली में किसी भी तरीके से मंगल खराब हो रहा हो, मंगल शत्रु क्षेत्रीय में हो, मंगल पे नीच या पाप ग्रहों की दृष्टि हो, या सूर्य मंगल दोनों बहुत बली होते हैं, अग्नि तत्व होते हैं, ये किसी तरीके से खराब हो रहे हो, चंद्रमा भी कुंडली में अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा हो,
राहु केतु शनि का मंगल पर दुष्प्रभाव। मित्रों, कोई बच्चा गण मूल में पैदा हुआ हो, मांगलिक दोष हो या ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो, तो हमारी कुंडली के अंदर एग्रेशन, क्रोध और गुस्से के योग पनप उठते हैं कॉम्बिनेशन। अब हमारी होरोस्कोप के अंदर हमें पता है एग्रेशन के योग बनते हैं, हमारा गुस्सा भी है, हमारे ग्रह भी पीड़ित हैं, तो किस समय यह गुस्सा अपना प्रभाव दिखाएगा? दोस्तों, ये समय के लिए हमारी दशाएं, हमारी अंतर दशाएं, हमारी प्रत्यंतर दशाएं ये प्रभावी रहती हैं। देखिए, जब जब हमारे आठवें और बारहवें घर का संबंध सातवें घर से बनेगा, उस समय एग्रेशन का रूप बहुत पीड़ादायक होगा। अब यदि इसका संबंध यानी कि सात आठ बारह का हमारे लग्न के साथ बनता है, मंगल के साथ बनता है, हमारे आठवें घर के लॉर्ड के साथ बनता है, बारहवें घर के लॉर्ड के साथ बनता है, तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और एग्रेशन और गुस्से में इतना आगे बढ़ जाएगा कि जिसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। मित्रों, जो लोग हत्याएं करते हैं या बात बात पर इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि वैश्य दरिंदे बन जाते हैं, उनका एग्रेशन लेवल बहुत हाई होता है। कुछ उपाय मित्रों मैं आपको यहां बताता हूं, सरल सरल प्रयोग करके आप गुस्से को शांत कर सकते हैं। चंद्रमा जब खराब होता है, ये भी बहुत बड़ा कारण है, हमारा मन और मस्तिष्क का स्वामी जब विचलित होगा तो गुस्सा आता है। पानी ज्यादा पीना चाहिए, चांदी के गिलास का प्रयोग करना चाहिए, भोले बाबा के ऊपर शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक करना चाहिए, कच्चे दूध और जल का अभिषेक करना चाहिए, उससे भी चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन में रहता है। मित्रों, एक और सरल उपाय आपको बता रहा हूं, दक्षिणावृत्ति शंख आप लीजिए, उसमें जल भरिए और उसको भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे कुछ समय के लिए रख दीजिए और उसके बाद जिस जातक को बहुत गुस्सा आता है उसको समय समय पर उसका पानी पिलाइए, ये प्रयोग बहुत कारगर सिद्ध होगा। आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए, खास तौर पे हमारा जो साउथ एरिया है उसको बहुत अच्छा रखना चाहिए, वहां पर कबाड़ वाड़ की चीजों को अवॉइड करना चाहिए। लाल मिर्च का सेवन कम से कम प्रयोग करें। एक और प्रयोग आपको मित्रों बताता हूं, जिस समय चंद्रमा पूर्ण अवस्था में होता है या रात्रि में जब चंद्रमा दिखाई दे, तो चंद्रमा के 10 से 15 मिनट दर्शन करने चाहिए, स्वच्छ जल पीना चाहिए, लंबे लंबे गहरे सांस लेने चाहिए और मेडिटेशन का सहारा भी हमारे गुस्से को बहुत हद तक कम करता है। मित्रों, आप सन्यासियों को, तेज प्रकाश वाले लोगों को जो बहुत कूल रहते हैं, आप उनको देखिए, उनके आम तौर पे हल्के भगवे कलर के वस्त्र होते हैं, पगड़ी उन्होंने धारण कर रखी होती है। तो यहां मैं बताना चाहूंगा, जिनको भी गुस्सा आता हो, नीले कपड़ों का, गहरे कपड़ों का, काले कपड़ों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, ये आपके एग्रेशन के लेवल को और इंक्रीज करता है। बल्कि सफेद वस्त्र, हल्के वस्त्र, इनका प्रयोग कीजिए। और जिनको गुस्सा ज्यादा लगे, अपने सर को नंगा मत रखिए, व्हाइट कलर की, शरबती रंग की, लाइट पिंक कलर की, अच्छे अच्छे सूदिंग कलर अपने सर पे टोपी के रूप में, पगड़ी के रूप में धारण करें। मित्रों, यह छोटे छोटे प्रयोग करके आप क्रोध को और एग्रेशन को बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। यदि किसी का बहुत एग्रेशन हो, क्रोध पे काबू ना हो, वो हमसे पर्सनली आके मिल सकता है, अपॉइंटमेंट ले सकता है, नीचे नंबर्स फ्लैश हो, पूरी कुंडली का विश्लेषण करा के बिल्कुल लॉजिकल रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकता है। मेरा दोस्तों, लॉजिकल रेमेडीज में अटूट विश्वास है, इससे डेफिनेटली हर व्यक्ति को बेनिफिट होगा। तो आज हमने क्रोध की, एग्रेशन की चर्चा की, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि हम नए नए विषय आप सबके लिए ला सकें।
जाते जाते मित्रों आपको बताना चाहूंगा, हमारे नए बैचेस प्रारंभ होने वाले हैं, नए कोर्सेज आ रहे हैं, वर्कशॉप्स हैं, इनकी जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।